इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं, इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। ओह हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और आज हम आए हैं मेडिवल टाइम्स ऑरलैंडो फ्लोरिडा में। वाह, और देखो तो वो है एक जाइंट कासल। वो हम आए हैं मेडिवल टाइम्स में, पर वो तो बहुत बहुत पहले का समय है, जैसे कि मेरे ख्याल से 11th सेंचुरी। और जानते हैं मेडिवल टाइम्स में लोग कार नहीं चलाते थे, नहीं, उसकी जगह वो चलाते थे हॉर्सेस। क्या बात है। हे, क्या आपने कभी सोचा है कि मेडिवल टाइम्स में होना कैसा होता होगा? हाँ, मैंने भी। और आज आप और मैं जाने वाले हैं ऑरलैंडो कासल में और बहुत कुछ सीखेंगे। हाँ, और शायद हमें देखने मिलेगा एक असली वाला नाइट। हमें कितना मजा आने वाला है। चलो हम चलकर देखते हैं। इसे देखो तो, यह है एक असली वाला हॉर्स। हेलो प्यारे हॉर्स। ये कितना क्यूट है। और आज हम यहाँ हैं एक विलेज स्टेबल में। हाँ, एक स्टेबल जहाँ पर हॉर्सेस अपना यम्मी फूड खाते हैं और लेते हैं नैप्स। हाँ, और तैयार होते हैं एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए। हे, जानते हो हॉर्सेस कैसी आवाज निकालते हैं? बिल्कुल सही, वो नहीं करते हैं। नहीं, नहीं। हे, क्या मेरे साथ हॉर्सेस जैसे नहीं करोगे? ठीक है, बढ़िया, चलो करते हैं। नहीं, 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 नहीं। क्या बात है। खैर, ये एक बहुत ही अच्छा हॉर्स है, पर चलो आज आप और मैं सभी हॉर्सेस को टूर्नामेंट के लिए तैयार होने में मदद करते हैं। चलो चलते हैं। देखो तो, इस टेबल पर वो सभी जरूरी सामान है जो हमें चाहिए सभी हॉर्स को टूर्नामेंट के लिए तैयार करने के लिए। हाँ, जरा इसे देखो। वाह। हाँ, हाँ, ये है एक ब्रश। इससे हॉर्स की बॉडी पर लगी धूल को हम साफ कर सकते हैं। हाँ, ये है एक बॉडी ब्रश। ये हॉर्स की बॉडी के लिए है। वाह, और जरा इस चीज को तो देखो, स्पाइकी। हाँ, ये एक ब्रश है जो होता है हॉर्स के मेन और टेल के लिए। हाँ, इसके हैं लंबे लंबे ब्रिसल्स ताकि वो बालों को ठीक कर सके। हाँ, जैसे कि हमारे बाल हैं। क्या बात है। ओह, जरा इसे तो देखो। ये वो सभी चीजें हैं जो हम हॉर्स पर लगाएंगे। ये है एक सैडल पैड। हाँ, ये सैडल पैड है बहुत ही सॉफ्ट और स्क्विशी। क्विश 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 क्विश। सबसे पहले हॉर्स पर यही लगता है ताकि सैडल की मदद से हम हॉर्स पर आराम से बैठ सके। हाँ। ओह, जरा इसे तो देखो। ये है एक बहुत ही बड़ा सैडल। एक सैडल बहुत हैवी हो सकता है और इसे हॉर्स की पीठ पर रखते हैं ताकि सभी नाइट्स आराम से इस पर सवारी कर सके। और इससे बांधते हैं तो ये बिल्कुल है एक हॉर्स की बेल्ट जैसा। इसे ऐसे अंदर फंसाओ और ऊपर चढ़ जाओ और हॉर्स को दौड़ाओ बहुत ही फास्ट। क्या बात है। वो, और ये है हमारी आखिरी चीज जो हमें चाहिए हमारे हॉर्स पर रखने के लिए, और ये है कंपैरिजन। हाँ, और ये कंपैरिजन का कलर है ग्रीन और ब्राउन। हाँ, बहुत खूब। हाँ, एक कंपैरिजन की मदद से नाइट्स वहाँ एक नाइट के हॉर्स से दूसरे नाइट के हॉर्स की ऐसे पहचान कर सकते हैं क्योंकि वहाँ सभी हॉर्स एक जैसे ही दिखते हैं। हाँ, तो एक कंपैरिजन ये जाएगा सैडल के आखिर में। खैर, हमें इतनी चीजें ही चाहिए। अब समय है तैयार होने का और टूर्नामेंट के लिए हॉर्स को तैयार करने का। ठीक है, पहले लेते हैं एक ब्रश। आ जाओ। हेलो, हे देखो, ये एक बहुत ही शानदार और सुंदर हॉर्स है। हेलो, इसका नाम है हुमो। हाय हुमो। पहले चलो इसका फर ब्रश करते हैं। इसके हेयर्स पर नहीं होते, मैं भी ना। हाँ, ब्रश ब्रश ब्रश, सारी धूल मैंने हॉर्स पे से निकाल दिया। हाँ, अब जो हमने इसे साफ कर दिया है और पीठ से सारी धूल को हटा दिया है, अब हम रख सकते हैं सैडल पैड और सैडल और हमारा कंपैरिजन। चलो चले। हमने कर दिखाया। हमने टूर्नामेंट के लिए हुमो को तैयार होने में मदद की। और देखो, यहाँ है कलर ग्रीन और ब्राउन। मुझे तो बहुत ही मजा आया हुमो को ऐसे तैयार करने में। और शायद अब समय है आपको और मुझे टूर्नामेंट के लिए खुद को अच्छे से तैयार करने का। ठीक है, हम अब जाने वाले हैं, पर मुझे लगता है कि हुमो एक बड़ा ही शांत हॉर्स है। और खाने के लिए यहाँ है यमी वेजिटेबल्स और बहुत सारे फ्रूट। तो हम इसे देंगे एक शुगर क्यूब। हेलो, बहुत खूब हुमो। गुदगुदी हो रही है। हुमो, तुम बहुत ही अच्छे हॉर्स हो। और अब समय है खुद को तैयार करने का। चलो। हे, ये मैं हूँ नाइट ब्लिपी। मैं बिना कुछ भी बोलता हूँ। मैं एक असली नाइट नहीं हूँ, पर आज आप और मैं सीखने वाले हैं कि नाइट बनने के लिए क्या करना पड़ता था, वो भी 1000 साल पहले। वो ये तो एक बहुत ही पहले की बात है। क्या आपने कभी सोचा नाइट बनने के लिए क्या करना पड़ता था? तो होना पड़ता था ब्रेव। राइड करने होते थे हॉर्सेस। ने। क्या बात है। और होना पड़ता था स्ट्रॉन्ग और काइंड। वो अब मुझे लगता है कि एक असली नाइट बनना इतना भी आसान काम नहीं है। वो देखो तो, एक असली नाइट। ओ और अब समय है सर ब्लिपी को नाइट का खिताब देने का। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आप और मैं नाइट्स के बारे में सिर्फ सीखने ही नहीं वाले, मैं तो एक नाइट भी बनने वाला हूँ। पर पहले मुझे पूरे करने होंगे 3 नाइट्स चैलेंजेस। ओह, इसे तो देखो। ये है हमारा पहला नाइट्स चैलेंज। इसका नाम है द बिग रिंग्स चैलेंज। तो जीतने के लिए बिग रिंग्स चैलेंज में हमें लेना होगा एक लैंस, जो एक बड़ी ही लंबी लकड़ी होती है, और उसे डालना होगा 2 रिंग्स के अंदर। पहले यहाँ और दूसरा वो वहाँ उधर। अगर एक में डाल पाए तो आपको दोबारा दोनों रिंग्स में डालना होगा, और तभी ये नाइट चैलेंज पूरा होगा। इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। पर पहले हमें नाइट के कपड़े पहनने होंगे। आ जाओ। इसे देखो, ये तो है एक असली वाला नाइट्स का लेंस। वो, और ये है बहुत ही हैवी। इसे मैं इस्तेमाल करूंगा और पूरा करूंगा वो बिग रिंग्स चैलेंज। पर वो नाइट ही कैसा जिसके पास उसका हॉर्स ना हो। और ये देखो, ये है मेरा प्यारा हॉर्स ब्राउनी। हेलो ब्राउनी। हेलो। ठीक है, मेरे पास है ये लेंस और ये हॉर्स ब्राउनी। अब हम नाइट्स चैलेंज करने के लिए तैयार हैं। चलो चलें। ठीक है, ये हम चले। तैयार ब्राउनी? ठीक है, तो चलो शुरू करें नाइट्स चैलेंज। वो, मैं बस एक ही रिंग ले पाया। मतलब कि ब्राउनी और मुझे ये चैलेंज पूरा करने के लिए फिर से कोशिश करनी होगी। ब्राउनी को भी ऐसा ही लगता है। ठीक है, चलो चले। ठीक है, एक बार फिर कोशिश करते हैं, शायद इस बार हो जाएगा। चलो चले। ओह, ये बड़ा ही मुश्किल था। इस नाइट्स चैलेंज से मुझे थकान हो रही है, पर देखो हमारे पास दोनों रिंग्स हैं। थैंक्स ब्राउनी, मेरी मदद करने के लिए। मुझे तो इसमें बहुत मजा आया। और अब समय है दूसरे नाइट्स चैलेंज को पूरा करने का। चलो उसे देखते हैं। आ जाओ। ओहो ब्राउनी। हमने पूरा किया हमारा पहला नाइट्स चैलेंज। हम नाइट बनने के बहुत ही करीब आ गए हैं। ठीक है, जो दूसरा नाइट्स चैलेंज है इससे भी मुश्किल है। आप में चाहिए फुर्ती, शक्ति और अच्छे से हॉर्स चलाना भी आना चाहिए। उसका नाम है फ्लैग टॉस। जैसे कि मैं और एक दूसरा नाइट एक दूसरे की ओर फ्लैग फेंकेंगे, वो भी 3 बार, और अगर हमने 3 टाइम्स पकड़ लिया तब हमारा चैलेंज पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये हम चले। मुझे थोड़ी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो मेरे फ्रेंड सर डेविड मेरी हेल्प करेंगे। ठीक है, तैयार सर डेविड? तैयार। ठीक है, ये हम चले। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हमने कर दिया, हमने फ्लैग को पकड़ा 3 टाइम्स। बहुत ही मजा आ रहा है। थैंक्स ब्राउनी। ने ठीक है, अब हमें पूरा करना है हमारा 3rd चैलेंज, और ये चैलेंज बहुत ही मुश्किल है। उसका नाम है नाइट्स ड्रेसअप चैलेंज। मुझे एक नाइट का पूरा पहनावा पहनकर दिखाना होगा, वो भी बस 10 सेकंड्स में। ओह, लगता है इस बार मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए ब्राउनी। बाय बाय, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ओके, अब मैं चैलेंज के लिए तैयार हूँ। घड़ी में टाइमर ऑन कर लीजिए। ये हम चले। वो, ये आमर तो कमाल का है। हाँ, हमने कर दिखाया। हमने पूरे किए 3 नाइट्स चैलेंजेस, और अब मैं बनने वाला हूँ नाइट ब्लिपी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इसलिए आपको और मुझे करना चाहिए एक विक्ट्री डांस। ठीक है, तो चलो करते हैं। हाँ, वो तो बहुत कमाल का था। अब मैं बनने वाला हूँ एक नाइट। इतनी जल्दी भी नहीं ब्लिपी। ओह, हे, सर डेविड, तुम्हें और 2 चैलेंजेस पूरे करने हैं। हाँ, और 2 चैलेंजेस, पर हमने पहले ही 3 पूरे किए हैं। हाँ, शायद वो 2 इतने भी मुश्किल नहीं होंगे। तो बताइए अगले 2 चैलेंजेस क्या हैं? तो पहले तुम्हें नाइट कोड सीखना होगा। ओह, आपको पता है नाइट कोड क्या होता है? मुझे भी नहीं। हाँ सर डेविड, ये नाइट कोड क्या होता है? एक नाइट वेलर की शपथ लेता है। ठीक है, यानी हमें बनना होगा बड़ा ही ब्रेव। उसका दिल मोम से बना होता है। ओके, तो यानी कि हमें बनना होगा काइंड। वो मासूमों की रक्षा करता है और कमजोरों की मदद करता है। यानी कि हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। और उसकी जुबान सिर्फ सच बोलती है। हमेशा बोलिए सच। ये तो बहुत आसान है, हम ये कर सकते हैं। और दूसरा चैलेंज क्या है? हाँ, वो दूसरा चैलेंज है जैवलिन टॉस। वो सुनकर तो लगता है कि वो होगा बहुत ही ज्यादा मुश्किल, पर है मेरे पास है मेरा नाइट्स आर्मर, शायद हम ये कर सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो इसे पहने। अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ, चलो। विश्वास नहीं होता कि हम क्वीन से मिलने वाले हैं और करने वाले हैं नाइटिंग सेरेमोनी। ठीक है, चलो चलते हैं। मैं डोन्या मारिया इजाबेला, इस कैसल की क्वीन और राज्य की अधिपति, आज यहाँ ब्लिपी को 1 बार 2 बार और 3 बार राज्य का नाइट घोषित करती हूँ। हमने कर दिखाया। बहुत खूब। सभी नाइट्स चैलेंज को पूरा करने में हेल्प करने के लिए थैंक यू। वो बड़े ही मुश्किल थे, पर हमने उन्हें अच्छे से पूरा किया। मुझे 11th सेंचुरी के नाइट्स के बारे में सीखकर बहुत ही मजा आया, जो कि बहुत पहले की बात है। और ये जानकर भी अच्छा लगा कि नाइट सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि काइंड, बहुत ही हेल्पफुल भी होते हैं। खैर, ये वीडियो यही खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। हे, मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। खैर, शायद अब सर ब्लिपी कहना चाहिए। क्या बात है। खैर, चलो जल्दी ही मिलते हैं। बाय बाय। आओ मेरे संग मिलके कर फन, इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। कर फन, इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं।